इसराइल हमास युद्ध से गाजा ही नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट झुलस रहा है। हर गुजरते दिन के साथ ये युद्ध भयंकर होता जा रहा है। हमास को ईरान समेत फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठनों का पूरा समर्थन मिल रहा है। लेबनान के हिजबुल्ला लड़ाके इसराइल पर हमलावर हैं। हिजबुल्ला के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने बीते दिनों कहा था कि लेबनान इसराइल बॉर्डर पर दोनों के बीच दुश्मनी बढ़ती जा रही है। अगर इजरायली सेना लेबनान तक पहुंची तो हम उसकी सीमा के अंदर तबाही मचा देंगे। इस बीच ईरान ने लेबनान के हिजबुल्ला आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा हमला करने की संभावित योजनाओं पर इसराइल को आगाह किया है। दरअसल ये चेतावनी इजरायली रक्षा बल के जनरल स्टाफ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी के बयान के एक दिन बाद आई है। इसमें कहा गया था कि इसराइल उस हालात पर पहुंच गए हैं कि जहां लेबनान की ओर हमले को लेकर जल्द ही फैसला लेना होगा। मालूम हो कि जब से गाजा में युद्ध शुरू हुआ तब से लेबनान की ओर से हिजबुल्ला लगातार इसराइल पर हमलावर है। इजरायली पीएम कई बार हिजबुल्ला को नतीजे भुगतने की धमकी दे चुके हैं। बावजूद इसके ईरान के समर्थन से हिजबुल्ला के हमले थम नहीं रहे हैं, जिससे गाजा युद्ध एक नए युद्ध की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने कहा कि ईरानी अधिकारी दक्षिणी लेबनान में जमीनी हमले की धमकी देने वाले इजरायली अधिकारियों के बयानबाजी को किसी भी तरह का तूल न दे। ईरान ने कहा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ा झटका लगेगा। नेतन्याहू सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संकट को बढ़ाने और युद्ध को और बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। इसराइल और उसके समर्थक अच्छे से वाकिफ हैं कि हमास के खिलाफ पहले ही वह सब विफल हो चुका है। अगर वे हिजबुल्ला पर धावा बोलते हैं तो इसराइल को और ज्यादा भयंकर हार का सामना करना पड़ेगा। दरअसल हिजबुल्ला लड़ाके हमास के मुकाबले काफी बेहतर सैन्य ताकत का दावा करते हैं। मालूम हो कि तेहरान हिजबुल्ला का सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है। ऐसा दावा किया जाता है कि हिजबुल्ला के पास 2 लाख से ज्यादा रॉकेट्स का जखीरा है। इसके अलावा ड्रोन, मोर्टार, एंटी टैंक हथियार और सटीक टारगेट वाली गाइडेड मिसाइलों जैसे खतरनाक हथियार हैं। ईरान मिशन के मुताबिक हिजबुल्ला फिलहाल इसराइल से सीधा संघर्ष नहीं चाहता है, मगर वे फिलिस्तीनियों के समर्थन में इसराइल के खिलाफ हमलावर हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि उसके लड़ाके किसी भी हालात के लिए तैयार हैं, चाहे वे इसराइल के खिलाफ सीधा युद्ध ही क्यों ना हो। दावा है कि हिजबुल्ला के पास ईरान से मदद की जरूरत के बिना भी अपनी और लेबनान की रक्षा करने की कुव्वत है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ने अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणियों का हवाला देते हुए दावा किया, जिसमें बाइडेन ने हमास की ओर से बनाए गए बंधकों और इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनियों की रिहाई का समर्थन किया था। साथ ही बाइडेन ने कहा था कि एक बार जब युद्ध विराम और बंधक समझौता पूरा हो जाता है तो ये युद्ध बहुत अधिक प्रगति की संभावना को खोल देता है। इसमें लेबनान के साथ इसराइल की उत्तरी सीमा पर शांति भी शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान ने कहा कि गाजा में युद्ध विराम से इसराइल और लेबनान के बीच बॉर्डर पर शांति हो सकती है, गोलीबारी रुक सकती है। गौरतलब है कि बीते सोमवार इसराइल के उत्तरी मोर्चे पर हिजबुल्ला ने रॉकेटों की बौछार कर बड़े पैमाने पर जंगी आग को भड़काया था। इसके अगले दिन ही नेतन्याहू ने बॉर्डर पर हालात की समीक्षा लेते हुए अपनी युद्ध कैबिनेट बुलाई थी। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल उत्तर में बहुत तीव्र कार्रवाई के लिए तैयार है, किसी न किसी तरह हम उत्तर में सुरक्षा बहाल करेंगे। बता दें कि गाजा में जारी मौजूदा युद्ध ने 2006 के बाद से हिंसा का सबसे खतरनाक मोड़ पैदा कर दिया है। इस मोर्चे पर एक नए चौतरफा युद्ध की लगातार चिंताएं हैं।